हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर QL में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में आग के कितने प्रकार हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स को किस प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब आप कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, जैसे कि मॉल, सिनेमा घर, होटल या फिर हॉस्पिटल या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर वहाँ पे आप काम करते होंगे, तो आपको बहुत आसानी से फायर एक्सटिंग्विशर कहीं भी टंगा हुआ दिख जाता होगा। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर टंगा हुआ है इसको किस प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग करना है। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स को इलेक्ट्रिक से लगा हुआ आग को बुझाना है या फिर कोई लकड़ी में लगा हुआ आग को बुझाना है। क्योंकि दोस्तों, लकड़ी में जो आग लगता है वो एक अलग प्रकार का आग है और जो इलेक्ट्रिक सर्किट से लगता है वो एक अलग प्रकार का आग है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगा है और वहाँ पर लकड़ी से बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है। तो इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर्स को किस प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको ये सब पहले से पता है तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। और यदि आपको कुछ भी नहीं पता, आप नए हैं इसके बारे में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पूरा जानने के लिए। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि आग के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, आग के 6 प्रकार हैं, ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम बता रहे हैं। दोस्तों, जो पहला प्रकार है वो है क्लास ए। क्लास ए में आता है फ्लेमेबल सॉलिड, मतलब वैसा पदार्थ जो ठोस हो और जलने योग्य हो। इसका आप एग्जांपल में देख सकते हैं, वुड, पेपर, रबड़। उसके बाद दोस्तों आता है क्लास बी। क्लास बी में है फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब वैसा लिक्विड जो जल सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेंट। उसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी में आ जाता है फ्लेमेबल गैस। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। उसके बाद आता है क्लास डी। क्लास डी में है मेटल, मतलब वैसा मेटल जिसमें आग लग सकता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। उसके बाद दोस्तों आता है क्लास ई प्रकार। इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कंप्यूटर, जनरेटर। उसके बाद आता है क्लास एफ। इसमें आ जाता है कुकिंग ऑयल, इसका एग्जाम्पल हो गया किचन ऑयल और फैट्स। तो ये 6 प्रकार हैं आग के। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताएंगे कि इन सब आग को कौन से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। और एक बात बता दें कि इंडियन स्टैंडर्ड के आधार से आग के मात्र 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से क्लास ई नहीं होता है, बाकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ होता है। तो ये आग का प्रकार आप समझ गए। अब आप लोगों को बताते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स को कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर्स के 5 प्रकार हैं। उसमें से जो फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो है वाटर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि इस एक्सटिंग्विशर्स में पानी भरा हुआ होता है और ये क्लास ए प्रकार के फायर को, यानी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स है, या फिर इस फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से हम क्लास ए प्रकार के आग को बुझाएंगे, जैसे कि वुड, रबर या पेपर में लगे आग को बुझाता है। तो इसका पहचानने का तरीका है, इसका जो लेबल कलर है वो है ब्राइट रेड, यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है वाटर और पीछे ब्राइट रेड। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है इसके मदद से आप क्लास बी और क्लास ए दोनों प्रकार के आग को बुझा सकते हैं।
क्लास ए में तो आप देख लिए थे कि वुड, पेपर और रबर आता है, लेकिन क्लास बी में जो लिक्विड है, पेट्रोल, डीजल और पेंट, तो इसमें भी जब आग लगे तो ये फोम एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। दोस्तों आप कैसे पहचानेंगे कि फोम एक्सटिंग्विशर है और इसके मदद से हम क्लास बी और क्लास ए प्रकार के आग को बुझा सकते हैं? तो इसका पहचानने का तरीका है कि इसका लेबल कलर आप देख सकते हैं क्रीम है। आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ इसके जस्ट पीछे क्रीम कलर का पेंट है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है वो है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के तीसरा टाइप है। इसके मदद से आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों प्रकार के आग को बुझा सकते हैं। दोस्तों क्लास ए और क्लास बी तो आप देख चुके हैं, अब क्लास सी में जो आता है वो गैसेस है, यानी हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन, इन सब में जब आग लगे तो भी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आप आग को बुझा सकते हैं। दोस्तों आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो है एक्सटिंग्विशर्स कि इसको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप तीनों में यूज़ किया जा सकता है? तो इसका जो लेबल कलर है वो है ब्लू, और इसमें देखिए लिखा हुआ रहता है ड्राई पाउडर और लेबल कलर हो गया ब्लू। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों प्रकार के आग हम इससे बुझा सकते हैं। दोस्तों जो फोर्थ टाइप है एक्सटिंग्विशर्स का वो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है वो क्लास बी और क्लास ई प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। क्लास बी का मतलब था लिक्विड और क्लास ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, इन सब में प्रयोग किया जाता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स है? तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख करके इसका जो लेबल कलर है वो ब्लैक किया हुआ है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है इसके मदद से हम क्लास बी और क्लास ई प्रकार के आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद है पांचवा एक्सटिंग्विशर्स, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। दोस्तों इसके मदद से आप क्लास एफ प्रकार के आग को बुझा सकते हैं। आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो एक्सटिंग्विशर्स है ये वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स है? तो इसका जो लेबल कलर है वो येल्लो, आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। तो ये पांचों प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स रहा जिसको पहचानने का तरीका बता दिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद में ये बता दिए कि इस एक एक फायर एक्सटिंग्विशर से आप किस किस प्रकार के आग को बुझा सकते हैं। तो ये इसको आप हो सके तो कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि एक दो बार देखिएगा, नहीं तो फिर वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। दोस्तों ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ये छोटा फायर एक्सटिंग्विशर्स है और एक छोटे से आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है, और जब आग बहुत बड़ा हो तो उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल या इन सब में से किसी भी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका एक अलग है, तो उस पर हम एक अलग वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अब ये हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आप इस फायर सिर्फ हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका नीचे से पाइप को निकाल देना है, वो आराम से निकल जाता है। उसके बाद ऊपर में आप जो देख रहे हैं प्रेस करने वाला, इसको पिचकारी के टाइप से दबाना है। उसके बाद इसमें जो भी है मतलब आप जिस भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं वो निकलना शुरू हो जाएगा, और आग के सामने लेकर के आप पिचकारी की तरह दबाइए, वहाँ से निकलेगा और आग को बुझा देगा। तो ये यूज़ करने का तरीका रहा। आप जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स ले लें, जी पांच प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, तो उन सब में से सभी का यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल रहा आग के प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर्स के प्रकार, कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार के आग में इस्तेमाल करना है, तो ये डिटेल बता दिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिए, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि इस तरह का कोई और वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।